हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं बच्चों के लिए पैन पिज़्ज़ा बना रही थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ रेसिपी और साथ में आपसे बातें भी कर लूँ। ये देखें, ये मैंने हाफ ऑनियन लिया है, अब मैंने इसको अच्छी तरह सोटे कर लिया है। हाफ ऑनियन लेके अब इसमें मैंने चिकन लिया है, उसको बॉईल कर लिया था, उसको भी शर्ट करके मैंने इसके अंदर इसको भी सोटे करने लगी हूँ। ये विदाउट ओवन है, आप इजीली घर पे बना सकते हो, ओवन की आपको ज़रूरत भी नहीं है। और ये देखेंगे, मैं इसको अच्छी तरह सोटे कर लिया, अब उसको उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट। आप हसबे जायका अपने मुताबिक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने सॉल्ट डाल दिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू टेस्ट होता है। ये मैंने रेड चिली डाली है, ये भी आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं, इसलिए ये देखिए मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग करके ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया। अब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसमें रेड चिली सॉस डाल दूँगी। इससे रेड चिली सॉस से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, एक थोड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट आ जाता है। ये देखिए मैं रेड चिली सॉस डाल रही हूँ। अब मैं रेड चिली सॉस के बाद अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करूँगी। ये देखिए मैंने इसकी मिक्सिंग करके इसको थोड़ा सा सोटे करके इनके साथ मिक्स करके बनाऊँगी। ये देखिए मैंने ये पिज़्ज़े की डव बनाई हुई थी, अब मैंने इसको पिज़्ज़े की डव को थोड़ा सा बेला बेल कर, अब मैं इसके राउंड से इसका छोटा सा मिनी साइज़ का पिज़्ज़ा बना लूँगी। अभी मैंने इसमें केचप लगाई, केचप लगाने के बाद मैंने वो जो मिक्सचर तैयार किया था चिकन का, वो थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। ये देखिए मैंने डाल के साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी कैप्सिकम डाल दूँगी। ये देखिए मैंने कैप्सिकम डाल दी, ये मैंने ऊपर चैटर्ड और मोजरीला चीज़ डाल दी। आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पैन पे इसको बना रही हूँ, आपको ओवन की ज़रूरत भी नहीं है। इसको थोड़ा सा ऊपर से कवर कर दें ताकि चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। ये देखिए वो मैंने मिनी बनाया, अब ये मैं मीडियम साइज़ का पैन पे पिज़्ज़ा बनाऊँगी और मैं इसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी कि ये बहुत यमी बनता है और बिल्कुल आपको ओवन की ज़रूरत ही नहीं है, आपका पैन पे ही बहुत अच्छा बन जाएगा। ये देखिए ये कितना अच्छा और यमी बना है। अब प्लीज़ आप खाइएगा और मुझे अपने साथ कमेंट पर ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने कमेंट्स। बाय, टेक केयर।